हेलो एवरीवन, मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और जो बच्चों हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है प्रैक्टिस सेट की, इसी सीरीज़ में आज मैं लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 14। और ये जो प्रैक्टिस सेट है बच्चों किस किस के लिए रहेगा, ये वीएलडीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर जो 10th बेस पे एग्ज़ाम होता है उसके लिए, इसके साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है बच्चों उन सब के लिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो बच्चों इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और घंटी का बटन है वो तो आपको अति आवश्यक रूप से दबाना है ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है बच्चों सबसे पहले मिले और टाइम टू टाइम मिले। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करना है भाई, जो क्वेश्चन गलत हो जाए उसको आप डिलीट कर देना, और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना भाई। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टेस्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है भाई, नेम द विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग, कि किस विटामिन की कमी के कारण खून नहीं रुकता, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है भाई। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे बच्चे हैं सभी। वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई और लाइक भी कर देना, ठीक है। शेयर तब करना, पहले वीडियो देख लेना अच्छे से, अच्छी लगे तो भी शेयर कर देना। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विटामिन के। विटामिन के ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। ब्लड क्लोटिंग का मतलब है खून का थक्का जमाने में मदद करती है भाई। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। द फंडामेंटल एक्साइटेबल सेल इन द नर्वस सिस्टम इज द, यानी नर्वस सिस्टम की जो मूल इकाई है वो कौन सी है, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो बच्चों, फटाफट से भाई। आसान से क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे बच्चों के लिए, अच्छे अच्छे जवाब दिया करो भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल्स है भाई, वो फंडामेंटल एक्साइटेबल सेल्स हैं। अब आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। विच प्लांट सेल ऑर्गनली कंटेन्स इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, कि बच्चों प्लांट के कौन से ऑर्गेनेल के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, फटाफट से आंसर दे दो भाई, फटाफट से आंसर दे दो। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो बच्चों आप लोगों की प्रिपरेशन मेरे हिसाब से तो बेटर चल रही है, अगर किसी को किसी तरह की कोई कमी लग रही है तो लाइव चैट में लिख देना भाई, ठीक है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, कि जो प्लांट सेल ऑर्गनली हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए और क्लोरोप्लास्ट हो गए, इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। उसके बाद अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए भी क्या कहता है। विच एमोंग द फॉलोइंग इज आर फीमेल हॉर्मोन, इनमें से कौन कौन से हैं भाई फीमेल हॉर्मोन्स हैं, फटाफट से आंसर दे दो साथियों, दे दो भाई फटाफट से आंसर। वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन, दोनों फीमेल हॉर्मोन्स है बच्चों, तो 1 और 2 यानी ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही। और दोनों कौन से हॉर्मोन है बच्चों, दोनों सेक्स हॉर्मोन्स हैं, याद रख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस सप्लाई द केल्विन साइकिल विद, ये कहता है कि जो लाइट द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस सप्लाई द केल्विन साइकिल विद, कि जो लाइट रिएक्शंस है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान, केल्विन साइकिल के दौरान क्या क्या प्रोवाइड करती है, फटाफट से आंसर दे दो, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। आसान आसान से क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, बस सभी आंसर जरूर दिया करो यार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो आप लोग एटीपी की फुल फॉर्म बता दो भाई सबसे पहले लाइव चैट में, फटाफट से भाई लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6।
ग्लूकोमा इज यूजुअली कॉज्ड बाय, ग्लूकोमा इज यूजुअली कॉज्ड बाय, कि ग्लूकोमा नाम की जो डिसीज है भाई ये किसके कारण होती है, फटाफट से आंसर दे दो भाई, इसमें क्या होता है, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। वेरी गुड भाई, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, हाई प्रेशर ऑन द ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व के ऊपर क्या है प्रेशर ज़्यादा हो जाता है भाई, जिसके कारण क्या है कि जो आई साइट है वो भी हमारा लॉस हो सकता है, यानी हमें दिखना भी बंद हो सकता है। उसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर, द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बीइंग्स डिटेक्ट, कि ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स है बच्चों वो क्या डिटेक्ट करते हैं, किस चीज़ का पता लगाते हैं भाई, फटाफट से आंसर दे दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, स्मेल, ऑल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स है बच्चों वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल कितना है भाई, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। वेरी गुड भाई, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं भाई, इस बार एडमिशन लेके ही मानेंगे, जिद्दी हो जाओ भाई। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो रहेगा ऑप्शन ए, 120 डेज, आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है बच्चों कितना है, 120 डेज। जैसे जैसे इसके 120 डेज नज़दीक लगते हैं तो आरबीसी का जो मेजर पोर्शन है ठीक है वो स्प्लीन में चला जाएगा, प्लीहा में चला जाएगा भाई, स्प्लीन में जाके क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा ठीक है। उसके बाद क्या है, इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान भी स्प्लीन को कहा जाता है। उसके बाद बच्चों ये दोबारा से रीजनरेट भी किस में होगी, स्प्लीन में होगी, तो स्प्लीन में रीजनरेट होने के कारण इसको कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ है ना जो आरबीसी है बच्चों वो डेड होने के लिए और कहाँ जाती है, इसके साथ साथ आपके जो ब्लड में भी ये क्या होती है बच्चों, डेड होती हैं, लीवर के पास भी कुछ एक पोर्शन इनका जाता है, ज़्यादा नहीं जाता भाई, कुछ एक पोर्शन जाता है ठीक है, मेनली कहाँ जाता है, सबसे ज़्यादा स्प्लीन में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज इज ए ह्यूमन डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया, इनमें से कौन सी जो मानव की बीमारी है भाई जो बैक्टीरिया के कारण होती है, दे दो भाई फटाफट से आंसर। वेरी गुड बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, टीबी, क्या रहेगा, टीबी, यानी बैक्टीरिया विच कॉज डिसीज आर कॉल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया, उन बैक्टीरियाज को हम क्या कहते हैं जिसके कारण टीबी होती है भाई, उनको कहते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया ठीक है, या वो बैक्टीरिया जिनके कारण बीमारियां होती है उनको हम क्या कहेंगे, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। टीबी किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है, और कुछ बैक्टीरियल जो बीमारी हैं भाई, एक तो आपकी ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी हो गई ठीक है, तो टीबी में हमारी बॉडी के कौन से हिस्से को इफेक्ट करता है भी बैक्टीरिया, तो ये लंग्स पे प्रभाव डालता है, फेफड़ों पे प्रभाव डालता है कोरोना की तरह भाई ठीक है। दूसरी है भाई एक बीमारी और है जो है सेलमोनेला, क्या है, सेलमोनेला ठीक है, ये भी किसके कारण होती है, बैक्टीरियाज के कारण होती है बच्चों, इसके इसमें क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होती है, क्या होती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है भाई, ध्यान रख लेना। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, वूपिंग कफ अफेक्ट करती है किसको, लंग्स को, और वूपिंग कफ भी किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण। और एक है बच्चों सेप्टिक सोर, यानी ये क्या होती है, थ्रोट में होती है, गले में होती है भाई, ध्यान रख लेना। अब आइए भाई क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द करेक्ट पेयर ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, ये कहता है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है, जोड़ा है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को दिखाता है फ्लावर्स के, तो फ्लावर्स के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है बच्चों वो कौन कौन से हैं, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही, स्टामेन और कार्पेल, स्टामेन क्या है, जो मेल फ्लावर का मेल गैमेट पार्ट है बच्चों, और कार्पेल्स क्या है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है।
आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ए एन डैश टिश्यू इज फॉर्म्ड बीनीथ द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गेन। स्किन में से कौन सा टिश्यू है जो स्किन और इंटरनल ऑर्गेन्स के बीच में एक रिलेशनशिप बनाता है? फटाफट से आंसर दे दो। शाबाश, वेरी गुड भाई, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो भाई मेरे साथियों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एडिपोज। क्या रहेगा? ऑप्शन डी, एडिपोज। आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। बर्थ कंट्रोल पील्स कंटेन्स की जो बर्थ कंट्रोल यानी जो गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं बच्चों, वो क्या कंटेन करती है? फटाफट से राइट आंसर दे दो। कुछ मेरे दोस्त कहते हैं कि सर फटाफट से क्वेश्चन करवा दो, टेस्ट करवा दो। तो बच्चों फटाफट से टेस्ट करवाने का फ़ायदा क्या है भाई, जब मैं आपको उसके बारे में थोड़ी मोटी बात नहीं बताऊंगा तो ठीक है। ऐसे तो बुक्स में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, टीचर की ज़रूरत ही क्या है फिर, ठीक है ना। तो साथियों थोड़ा सा समझस्य बिठाया करो, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से क्वेश्चंस देखा करो, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सकते हो। और एक बार अगर दिल से अच्छे दिमाग से आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो भूलोगे भी नहीं। इसीलिए मैं आराम से करवाता हूँ, एक दो बातें भी आपको साथ बताता हूँ, वो भी कैप्चर कर लिया करो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, मिक्सचर ऑफ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन डेरिवेटिव। तो ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का क्या है, डेरिवेटिव है, मिक्सचर है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। विच प्रोसेस रिक्वायर सेल्युलर एनर्जी, कि जो प्रोसेस सेल्युलर एनर्जी, जिसको सेल्युलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लिख दो भी फटाफट से राइट आंसर। तो बच्चों उसको हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन बी क्या रहेगा? बिल्कुल सही, कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मेथड है बच्चों जिसमें आयंस को ट्रांसफर करने के लिए या मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने के लिए सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी भी सेल में, तो उनको लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, हायर रीजन में भेजना होता है, ठीक है। तो इसके लिए उनको किसकी ज़रूरत होती है? सेलुलर एनर्जी की ज़रूरत होती है बच्चों। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तीन मेन टाइप्स हैं भाई, एक तो है सोडियम पोटेशियम पंप, एक होता है एक्सोसाइटोसिस और दूसरा होता है एंडोसाइटोसिस, ठीक है जी। अब आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। द स्वेलन बॉटम पार्ट ऑफ द कार्पेल इन ए फ्लोरेज, कि फ्लोवर में जो कार्पेल का फूला हुआ नीचे का जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई? दे दो फटाफट से आंसर पे बच्चों। बड़े अच्छे से ये चीज़ें बताई थी मैंने, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में। जिन बच्चों ने वो क्लासेस देखी है ना, उनका क्वेश्चन गलत नहीं होगा यार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन ए, ओवेरी। ओवेरी बोलते हैं बच्चों इनको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई, द फंडामेंटल कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज ए। न्यूरॉन्स के बीच में जो फंडामेंटल यानी मूलभूत जो कनेक्शन है उसको हम क्या कहेंगे भाई? दे दो फटाफट से राइट आंसर साथियों, फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ बच्चों, सिलेक्शन जरूर होगा, एडमिशन आपका जरूर होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, साइनैप्स। अब आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रीटमेंट फॉर हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज के लिए भाई कौन से जो मेथड्स हैं ट्रीटमेंट के, फटाफट से बता दो। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, फटाफट से बता दो बच्चों। पहला है बच्चों परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन यानी PCI, दूसरा है कोरोनरी अर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग यानी CABG, तीसरा है बच्चों हार्ट ट्रांसप्लांट, चौथा है ऑल ऑफ द एबो। तो बच्चों ये सारे के सारे किसके हैं? हार्ट डिसीज हैं बच्चों, उनको हार्ट डिसीज नहीं है, हार्ट डिसीज का ट्रीटमेंट है बच्चों, ये याद रख लेना। कोरोनरी है ये भी हार्ट से रिलेटेड है, कोरोनरी अर्टरी भी हार्ट से रिलेटेड है, हर्ट ट्रांसप्लांट ही हो गया बच्चों। ये तीनों के तीनों मेथड किसके लिए हैं? हर्ट डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू एरिकन द गोल ऑफ एडोलसेंस इज टू, कि एरिकन के अकॉर्डिंग एडोलसेंस का गोल क्या है भाई, एम क्या है? फटाफट से आंसर दे दो जी बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, कि जो एरिक्सन था वो एक साइकोलॉजिस्ट था बच्चों, ठीक है।
तो उसने ये कहा था कि जो एडोलसेंस है ना, वो एक पीरियड है चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में, यानी बचपन और वयस्क के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको कहते हैं एडोलसेंस। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों कि हर कोई जो पर्सन है वो साइकोलॉजिक्रिस्ट करता है, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है, रोल ऑफ कन्फ्यूजन भी वहाँ होता है, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग हु दे आर इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग दिस स्टेज एडोलसेंट्स एक्सप्लोर देयर इंडिपेंडेंस। उस टाइम क्या है कि हर एक बंदे को आत्मनिर्भर जो एडोलसेंट्स है बच्चों वो एक्सप्लोर करता है, ठीक है, और डेवलप करता है खुद को समझने का जो सेंस है उसको, ठीक है ना, यानी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी देता है, ईगो भी आती है, नेचर भी तब्दील होता है, एटीट्यूड भी उस टाइम पर आता है। तो बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 19, एयरबोरियल एटलस इज द साइंटिस्ट नेम ऑफ, एयरबोरियल जो एटलस है बच्चों ये किसका साइंटिफिक नेम है, फटाफट से आंसर दे दो भाई। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, बस ऐसे आंसर देते रहो यार, मेरा भी दिल लगा रहे, ठीक है, कि स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, सभी आंसर जरूर दिया करो यार, आप लोगों का इंतजार रहता है मेरे को, जब 8 बजते हैं तो मैं आपका वेट करता हूँ भी कब क्लास स्टार्ट हो, कब स्टूडेंट्स आए, कब मैं उनके साथ थोड़ी बहुत बातें करूँ, उनका हौसला बढ़ाऊँ। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, स्पाइडर मंकी। स्पाइडर मंकी का जो साइंटिफिक नेम है वो है एयरबोरियल एटलस। अब आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे, व्हाट इज द प्रॉपर टर्म फॉर ए स्केल्टन, स्केल्टल जॉइंट, कि स्केल्टल जॉइंट के लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो भाई, फटाफट से। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों उसको हम कहेंगे आर्टिकुलर कार्टिले, सॉरी आर्टिकुलेशन, ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही, क्या कहेंगे, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन प्रॉपर टर्म है बच्चों स्केल्टल जॉइंट के लिए। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑर्गेन प्रोड्यूस इंसुलिन, कि कौन सा ऑर्गेन इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, फटाफट से आंसर दे दो। एक हिंट दे देता हूँ, होगी ग्लैंड ही, कौन सी ग्लैंड होगी वो आप देखो बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो भाई। शाबाश, वेरी गुड भाई। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है पैनक्रियास, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई, ए मैन विद कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज, तो बच्चों जो जिस बंदे को कलर ब्लाइंडनेस है यानी रंग पहचानने में दिक्कत है उसको लाल रंग कैसा दिखेगा, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, फटाफट से। शाबाश, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे बच्चे हैं, शाबाश, वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा ऑप्शन ए, ग्रीन। ठीक है, कैसा दिखता है, दिखाऊं नमूना, देख लो भाई, ये लो जो तरबूज है, तरबूज ऐसा दिखाई देगा सड़ा सड़ा, उसको वो कभी नहीं खरीदेगा भाई, ठीक है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है ऐसा ऐसा दिखाई देगा, तो रेड कलर उसको नहीं दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, मोस्ट वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स पोजेस, कि ज़्यादातर जो वायरसेस हैं, ठीक है, जो प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं वो क्या पोजेस करते हैं भाई, फटाफट से आंसर दे दो साथियों। आसान आसान से क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, आप जवाब जरूर दिया करो यार, रिप्लाई जरूर किया करो, वीडियो को लाइक भी करना, इसके साथ साथ आपको यूं लगे भी ये हमारे दोस्तों के लिए या हमारा कोई सखा संबंधी है जो प्लस टू में है, ठीक है, या जो कोई नौकरी का एग्ज़ाम देगा उसके लिए वीडियो अच्छी है तो शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है, धक्का नहीं है किसी के साथ, दिल करे मन करे तब शेयर करना, किसी के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, आप लोग बिल्कुल आज़ाद परिंदे हो यार, बस थोड़ा सा दिल टिका के दिमाग से अच्छे से स्टडी कर लो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इस बार आपका एडमिशन चाहिए लुवास यूनिवर्सिटी के अंदर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है बच्चों, ठीक है ना, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो जनरली वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है, उनके पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, वायरसेस इन्फेक्टिंग एनिमल्स हैव डबल स्ट्रैंड आरएनए, जिन एनिमल्स को ये इन्फेक्ट करते हैं जिनमें अपना प्रभाव छोड़ते हैं बच्चों वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है या उसको डीएनए बोलते हैं ये। वायरसेस विच इफेक्ट
बैक्टीरिया हैव डबल स्ट्रैंड डीएनए, कि जो वायरस बैक्टीरिया को ऊपर इन्फेक्ट डालता है वो क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडीज बच्चों किसके द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, फटाफट से आंसर दे दो, यानी जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है ठीक है वो किसके कारण प्रोड्यूस होती हैं, एंटीबॉडीज किसके कारण प्रोड्यूस होती है भाई, बीमारियों को जो मारने के लिए ठीक है प्रोड्यूस होते हैं वो किन के थ्रू होते हैं, फटाफट से आंसर दे दो। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन ए, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं भी, ध्यान रख लेना। 25th क्वेश्चन, इन मोस्ट ग्रीन प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट आर, कि जो ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं भाई, फटाफट से आंसर दे दो। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जी से अच्छे मन से आंसर दे देना, और इस क्वेश्चन के बाद कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखा करो भाई, एक स्कोर लिखने के लिए बोलता हूँ लिख दिया करो यार, ठीक है। और वीडियो के बारे में कुछ लिखना हो तो भी आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। इसके साथ साथ है भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा देना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, कंसंट्रेटेड इन ए जोन ऑफ लीफ टिश्यू कॉल्ड द मेजोफिल, ठीक है बच्चों। तो अगर इतनी भाई आप लोगों को क्लासे अच्छी लग रही है शेयर कर दिया करो यार, ठीक है। और तो मैं आपको कुछ नहीं कहता, बस आपको यही कहता हूँ भाई जितना आप सपोर्ट कर सकते हो करो भाई थोड़ा बहुत, ठीक है। वीडियोज़ को डेली देखा करो, एक बार में वीडियो समझ ना आए तो दूसरी बार देखो, और तीसरी बार अपने हाथ से लिख के नोट्स बनाओ। और बच्चों इसके साथ साथ कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि सर हमें स्टडी मटेरियल नहीं मिलता प्रॉपरली, ठीक है, कि सर अगर हमें स्टडी मटेरियल मिलता होता तो हम पढ़ लेते और हमारा एडमिशन हो जाता। तो बच्चों आपकी वो शिकायत भी मैंने दूर कर रखी है, उसके लिए भी क्या है कि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, नोट्स हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रहा हूँ और वो भी मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, कि उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा भाई। टेलीग्राम ग्रुप में क्या करवाएंगे, एक तो क्विजेज करवाएंगे, ठीक है, जिस टाइम आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, नोट्स भी देंगे प्रत्येक चैप्टर के, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, प्रत्येक चैप्टर के लिए अलग से प्रैक्टिस सेट देते हैं भाई हर सब्जेक्ट के, टाइम टेबल आपका डेली का अपडेट होता है बच्चों, वीएलडीए के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है ग्रुप में फटाफट से शेयर हो जाती है, डाउट सेशंस भी होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे साथियों। इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, ठीक है। अब ये कंटेंट आपको मिलेगा कैसे, उसके लिए बच्चों आपको पहले हमारी वीडियोस देखनी है अच्छे से, दिल टिका के सारी वीडियोस सारी देख लो, या जो आपको लगे कि हमारे ये टॉपिक देखना है वो टॉपिक यहाँ चेक करो, ठीक है, अच्छे से देखो बच्चों। उसके बाद आपको जाना है डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है, वहाँ हमारे ग्रुप का लिंक दे रखा हमने वीएलडीए कैंपस के नाम से, उस पर क्लिक करना भाई। वीएलडीए कैंपस जब आपका ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा तो उसमें वीएलडीए कैंपस आइकन पर यानी नाम पर क्लिक करोगे, तो उसके बाद थोड़ा सा उस पेज को ऊपर स्क्रॉल करोगे तो नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा फाइल्स का, उस फाइल्स के ऑप्शन को क्लिक करना है, और वहाँ डेमो के लिए हमने कुछ फाइल्स दे रखी है उनको अच्छे से देखना है बच्चों कि आपकी काम की है या नहीं, मटेरियल कैसा है, ठीक है। उसके बाद आप हमारे जो एडमिन्स है उस ग्रुप के उनको SMS कर देना भाई, वो आपको हमारे पैड ग्रुप में ऐड कर देंगे, टर्म्स एंड कंडीशन आपको सारी बता देंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और कल आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियोज होगी संडे की, वो भी मैं आपको हमारे ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा बच्चों, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में भाई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।